आरएएस 2016 साक्षात्कार की कक्षा में आप सभी का स्वागत है और आज हमारे बीच साक्षात्कार को समझाने के लिए दो अनुभवी व्यक्तित्व मौजूद हैं, श्रीमती ममता सारस्वत आरपीएस और श्री सुनील ढाका बीडीओ लक्ष्मण। हम इनसे विस्तार से साक्षात्कार के संबंध में जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती ममता सारस्वत। ऑल द बेस्ट सर, अपने अनुभव शेयर करने के लिए। हर व्यक्ति इंडिविजुअल अपने आप में यूनिक पर्सनैलिटी है और यूनिक उसका एक्सपीरियंस होता है जो कोई और ना उसके यहाँ पे एक्सप्रेस कर पाता है और ना कोई समझ पाता है। इनके लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने अभी तक आरपीएस में दो इंटरव्यू दिए हैं और दोनों में सिलेक्शन हुआ। सबसे पहले 2010 के अंदर मैंने इंटरव्यू दिया था। उस वक्त मैं किसी जॉब में नहीं थी और फ्रेश थी और कंपेरेटिवली जैसे अब मैं कंपेरिजन कर पाती हूँ दोनों इंटरव्यू का तो कंपेरेटिवली वो उसको मैं 19 मांगूंगी उस इंटरव्यू को, हालांकि नंबर उसमें ज़्यादा मिले थे। उस वक्त चूंकि उनके पास एक वाइड एरिया था मेरे लिए पूछने के लिए, तो जैसे आप लोग फ्रेश हो उनके पास बहुत सारा स्कोप है पूछने के लिए, वो कहीं से भी पूछ सकते हैं क्योंकि माइंड में उनके कहीं कोई सेट नहीं होता कि आप एक विशेष सब्जेक्ट से या किसी विशेष क्षेत्र से हो तो वो रनिंग में चलते हैं। जैसे हम लोगों के टाइम ग्रुप डिस्कशन भी होता था और इंटरव्यू होता था, दो सेगमेंट में होता था, पहले ग्रुप डिस्कशन होता था फिर उसके बाद इंटरव्यू होता था। इंटरव्यू के अंदर और उस वक्त पैटर्न भी बिल्कुल अलग था, सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट में बेस भी पूछ लेते थे कि हमारी ग्रेजुएशन की क्या सब्जेक्ट थे, पीजी में क्या सब्जेक्ट थे, इस तरह से पूछ लेते थे। और दूसरी बार जब मैंने इंटरव्यू दिया तो उस वक्त क्योंकि मैं जॉब में थी तो उनका मेन फोकस मेरी जॉब पर था, तो जो मैंने एनालाइज किया कि इंटरव्यू के अंदर सबसे पहले तो जो आप हो वो रहो, घबराहट होती है ना सबको होती है, मुझे अभी भी हो रही है, वो होने दो क्योंकि वो आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचाती है वो चीज़, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मान लो आपको फैक्ट पूछे, फैक्ट तो आपको 10 पूछे, 10 में भी अगर आपने सॉरी बोल दिया ना तो उससे उतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब सामने वाले को ये पता है कि फैक्ट अनलिमिटेड है। हो सकता है वो दिन आपका दिन हो तो आपको आंसर आ जाएंगे, नहीं है अगर आपका दिन तो आपको नहीं आंसर आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी और वाइवर टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन आपको जो उपचारात्मक अगर कोई चीज़ पूछे, कंडीशनल कोई ऐसा पूछे, सिचुएशन बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछे ना, तो उसमें कभी नहीं रुकना चाहिए। जो आपको उस पर सही लगता है, डिप्लोमेटिक नहीं हूँ मैं बहुत ज़्यादा, जो आपको सही लगता है वो बात आपकी दृढ़ता से रख दो वो, क्योंकि अगर आपने उसमें सॉरी बोल दिया या उसमें आप रुक गए या जिसे गए ना, तब उनको ये लगेगा कि इसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में निर्णय लेना सबसे बड़ी क्वालिटी, जैसे लीडरशिप करना, इनिशिएट करना और निर्णय लेना, डिसीजन लेना, ये तीन चार चीज़ें होती हैं जो प्रशासन में चाहिए होती है, ठीक है। तो उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं या आपको पॉजिटिव लोडिंग भी मिल जाएगी, उस वक्त आपको पता चल जाएगा कि हाँ। लेकिन अगर आप उस चीज़ के अंदर सॉरी बोल देते हो, रुक जाते हो, तो उसको अदरवाइज लेते हैं या उससे आपके इंटरव्यू पर इफेक्ट पड़ता है, फैक्ट से कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद ये है कि जैसे मैंने बताया कि ओवर कॉन्फिडेंस से बचे रहना है, ठीक है। तो आपका बॉडी पोस्चर इस चीज़ को शो कर देता है कि आप कितने ओवर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। फैक्ट में अगर आपको नहीं आता तो तुरंत सॉरी बोलो, नहीं आता आपके एक आप बच्चों के विचार अंतर दूँ, ठीक है। उसमें जैसे कई बार हम लोग तैयारी कर रहे होते हैं तो लोग क्या कि वो चार आंसर लिख, एक आंसर, दो आंसर, तीन आंसर, चार आंसर लिख देते थे, फिर आप उसमें को क्या क्या करते थे तो वो क्या करते थे, देखो मैंने ऐसे ही लिखा है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली जब आप इंटरव्यू में इस तरह से करोगे, आप एक ही बात के प्लीज करिए वो चीज़ें उनका नेगेटिव इफेक्ट आती है। तो अगर आपको आता है तो यस, नहीं आता है तो सॉरी, वो भी आपकी डिसीजन लेने की पावर को शो करता है उस वक्त, ठीक है। और कोई भी आंसर है, जैसे कोई करंट सब्जेक्ट में आप आपसे कुछ पूछ लिया तो बोल्ड डिसीजन हो, जैसे कई मान लीजिए लिविंग रिलेशनशिप पर पूछा, डिप्लोमेटिक मत बनो कि अच्छा भी है और बुरा भी है, ठीक है ना। तो आप जो आप सोचते हो ना वो बताओ, आपने आज तक जो पढ़ा उसे क्या कंक्लूजन निकाला या आपका दिमाग क्या कहता है, उस पर दृढ़ता से रखो,
ठीक है, जैसे ज़्यादातर क्या होता था, डिबेट होती थी, क्या आपने विचार पक्ष में रखोगे विपक्ष में, तो लोग पक्ष में ज़्यादा बोलते थे, विपक्ष में बोलते थे, वो रहता है। लेकिन इम्प्रेस कौन सी चीज़ करती है, जब आप अपनी बात कहते हो वो आपका कॉन्फिडेंस, आपके अंदर की जो मौलिकता है वो आपके चेहरे पर आ जाती है, तो वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। फिर बात वो जैसे मैंने बॉडी पोस्चर की कह रही थी, क्या आपका बॉडी पोस्चर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, क्रॉस लेकर के मत बैठना, क्रॉस लेकर के बैठते हैं ना उसका मतलब मनोवैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि वो आप ऐसा व्यक्ति असहमत प्रकृति का अड़ियल प्रकृति का होता है, ठीक है। तो आपको ये मतलब एक बदतमीजी श्रेणी में गिना जाता है, तो क्रॉस लेकर के मत बैठना। पीठ टिका के मत बैठना कुर्सी के ऊपर, वो भी आपके आलस है वो, या आपकी केयरलेसनेस को शो करता है कि मतलब। फिर मैं अपना इंटरव्यू याद कर करके बता रही हूँ आपको कि हमें क्या पूछा है क्या। वैसे मैं इंटरव्यू की तैयारी को है ना कोई ऐसे बंदी हुई तैयारी नहीं मानती हूँ। आप अपने आस पास कितना देख रहे हो, क्या देख रहे हो, आप चल रहे हो तब इंटरव्यू की तैयारी, आप बैठे हो तब इंटरव्यू की तैयारी, मतलब आप ये ना सोचो कि हमें पर्टिकुलर इस चीज़ को लेकर कोई टेंशन में रहते हुए इंटरव्यू की तैयारी करनी है। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप ये दिमाग में बिठा के रखना कि जो आपने पढ़ा है वही पूछा जाएगा, जो आपने नहीं पढ़ा है वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये दिमाग में हमेशा रखना कि इससे टेंशन क्रिएट ही नहीं होती, क्योंकि आप कितना पढ़ सकते हो, आप दिमाग की क्षमता के अनुसार कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ भी दिमाग में नहीं रखनी कि इंटरव्यू के लिए हमें कोई विशेष तैयारी करनी है। जितना आप अपने आस पास के प्रति अवेयर हो गए ना उतना ही, मान लो उसने आप इससे रैपिड फायर राउंड पूछ लिया कि मतलब आप इसलिए रेस भी कौन है, कलेक्टर कौन है, ये रेस गेम कौन है, डिवाइस भी कौन है, आपको वो चीज़ नहीं पता हो गई, आपने इतना इतना कुछ रख के लिए कोई मतलब नहीं। इंटरव्यू का मतलब ही आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट करना है। आप आस पास के प्रति कितने अवेयर होना ये चीज़ ज़्यादा उसको, जैसे कई बार अपन देखते भी हैं कि या कहीं पढ़ते हैं कि ऐसे बड़े बियर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि आप जो सीढ़ियाँ चढ़ के आए वो कितनी थी, आपकी शर्ट में बटन कितने, ऐसे हालांकि हमसे नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी मतलब ऐसे क्वेश्चन सुनने में भी आते हैं। तो इसके पीछे मकसद ये होते हैं, ठीक है, कि आपको मतलब आप कितना फोकस आस पास के कितने अवेयर हो। जैसे मैंने IAS के 2-3 क्वेश्चन एक इंटरव्यू था उसके क्वेश्चन पूछे, जैसे ये पूछा कि व्हाट कम बिफोर यू, ठीक है, तो टी कम बिफोर यू, ठीक है। तो लेकिन उस वक्त दिमाग में नहीं होता, प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कितने प्रॉम्प्ट हो, ये चीज़ें, और फिर हम सोचने लग जाते हैं कि व्हाट कम बिफोर यू, यानी उससे पहले क्या आया, कैसे आया, है ना। लेकिन उसने आपकी क्या, आप कितने लॉजिकल हो, कितने प्रॉम्प्ट हो, वो चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से थी और मेरी MSc की वजह बहुत काफ़ी सवाल बीत गए थे, लेकिन फिर उन्होंने पूछा कि क्या आप कंफर्टेबल हो साइंस के आंसर देने के लिए, मैंने कहा नहीं सर नहीं हूँ। लेकिन ये नहीं था कि वो जनरल साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, फिर उन्होंने मुझसे पूछा आप बिंदी लगा रखी है, बिंदी क्यों लगाती हैं महिलाएँ, लाल रंग की बिंदी ही क्यों लगाती हैं, आजकल अलग अलग कलर की बिंदी लगाने लगी हैं महिलाएँ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो ये क्या थी, साइंस ही थी लेकिन जो रेलिवेंट मतलब जनरल साइंस थी जो आसपास की आपकी अवेयरनेस को शो करती है, ठीक है। पानी है, पानी का pH कितना है, इतना, तो एक आम आदमी से वो उम्मीद करते हैं कि एटलीस्ट कितनी तो आए। मैं केमिस्ट्री के पर्टिकुलर आंसर्स के लिए सॉरी बोल सकती हूँ, लेकिन उन चीज़ों के लिए अगर मैं सॉरी बोलती हूँ तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, वो कि वो आपसे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया हो गई ना पूछे या ना आए आपको कोई दिक्कत नहीं है, या मैंने बहुत समय पहले से थी, लेकिन आपको भारत के अंदर कौन सी शासन पद्धति है, संसद क्या है, विधानसभा क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, न्यायपालिका कैसी है, तो इतनी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। दूसरा ये है कि आप पीछे किसी जॉब में हो, अगर आप किसी जॉब में हो ना तो ये 100% मान के चलना कि आपका इंटरव्यू उस जॉब पे फोकस होगा, और उस जॉब के अगर आपको यहाँ से नहीं दे पाते ना तो इसको वो क्लियर नहीं करेगी। मतलब क्यों, क्योंकि उनका एक ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम ऐसा मानते हैं कि अगर हम पिछली जॉब से जस्टिस नहीं कर पाए तो हम आगे वाली जॉब से भी जस्टिस नहीं कर पाएंगे। और फिर एक बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि जो आपकी पहली जॉब थी उस जॉब और RAS के साथ उसका कंपेरिजन पूछेंगे कि आप इस जॉब में हो, ये भी अच्छी है, आप इसमें क्यों आना चाहते हो, यही हो जाएगा कि सारे लोग प्रशासन में आ जाएंगे तो बाकी विभाग क्या करेंगे, ठीक है।
क्या सारे जैसे आप लोग बहुत सारे लोग टीचर होते हैं और वो टीचर रहते हैं तैयारी करते हैं आरएस में चयन हो जाता है, तो सारे लोग अगर प्रशासन में आ जाएंगे तो फिर टीचिंग कौन करवाएगा? तो जिस तरह के क्वेश्चन है ना वो बट नेचुरल है कि वो उठेंगे ही उठेंगे। एक मैंने ये चीज़ की, जैसे मैं आ जाई, मेरी कोई तैयारी नहीं है ना, मैंने पीछे कई काफ़ी सालों से कोई पढ़ाई नहीं है, सिर्फ मैं अपने विभाग पर फोकस हूँ, तो मुझे कुछ नहीं आता था, तो मैंने फिर क्या किया, मैं न्यूज़पेपर ले लिया, सुबह न्यूज़पेपर पर थोड़ा सा गौर कर लिया। ऐसा बहुत सारे लोग होते हैं, बोर्ड मेंबर भी होते हैं, वो क्यों तैयारी करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका रूटीन का काम है। तो आप जब जाओ ना तो दो दिनों की वहाँ जो न्यूज़पेपर है ना उनको बिल्कुल मतलब बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, वो कोई किताब ना ही होता हुआ, लेकिन अजमेर जाओ, जैसे अजमेर में जो लोकल न्यूज़पेपर आते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर आते हैं, वो सब न्यूज़पेपर उठाना। और प्लस जैसे ऐसे माना जाता है कि जो इंटेलेक्चुअल से लोग होते हैं वो लोग क्या होते हैं, ये मैगजीन जरूर पढ़ते हैं, आउटलुक हुई, इंडिया टुडे हुई, है ना, इस तरह की, तो कुछ एक मैगजीन ये पढ़ लेना, जैसे दो दिन पहले लेना तो वहाँ फोकस ये रखना कि मतलब न्यूज़पेपर और मैगजीन पर, बाकी किताबें घर छोड़ देना बेशक। हम लोग गए घर से उठा के ले जाते थे तो वो यूजलेस ही होती थी वहाँ पर, तो ये जरूर करना, क्योंकि मेरे जैसा कोई आएगा तो वो उसके दिमाग में सुबह वाला न्यूज़पेपर ही ज़्यादा घूमेगा, तो यही चीज़ें आपको पूछने की कोशिश करेंगे। और जैसे ड्रेस है आपकी, आपने अपने अलग अलग विचार होते हैं, मेरा ऐसे मानना है कि बहुत ज़्यादा डल कपड़े में मत पहनना, क्योंकि आप तो शोक सभा में नहीं जा रहे हो वहाँ पर, ठीक है, तो अच्छे मतलब है ना शूटिंग से कलर पहनना, तो घुसो तो ऐसे एनवायरमेंट को कमरे में रूम में घुसो तो ऐसे लगे कि आप ताजगी सी महसूस हो सामने वालों को, है ना, बहुत ज़्यादा डल कपड़े भी मत पहनना, कि क्रीम भी पहनना है, वाइट भी पहनना है, ऐसा भी कुछ नहीं है, और बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर भी नहीं कर पहनना, जैसे अभी मेरे पहन रखे हैं वैसा भी मत पहनना, लेकिन मतलब शूटिंग से कलर पहनना। और बाल आपके ऐसे बने हों कि बार बार आपके चेहरे पे ना आए, डिस्टर्ब ना करें, ठीक है, आपको बार बार हिलाने ना पड़ेंगे, आपका बेस्ट लुक होना चाहिए उस दिन, ठीक है, लेकिन नेचुरल भी होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं लगना चाहिए, आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ नहीं हो। और क्या है क्योंकि ऐसा कोई बंदे में कोई नियम नहीं है इंटरव्यू के कि उसी तरह से होगा, क्योंकि लोगों पर डिपेंड करता है कि उनका कैसा मूड है, क्या मन है उनका, कैसे क्वेश्चन पूछे, तो आप निकारे सिलेबस तो कोई इंटरव्यू कर रहे हैं कोई, फिर आप बोल रहे हो,
मतलब आपके पास लॉजिक नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। और ठीक है, बैकग्राउंड आपको चीज़ों का पता होना चाहिए, सुपरफिशियल आंसर मत देना, ठीक है। नहीं ये पूरा है, पूरा नहीं। अब आप सोच के देखो कि राजनीति बुरी है, राजनीति का असर छोड़ देंगे तो आप इतने इनसिक्योर हो जाओगे, जी पाओगे भारत को, भारत में नहीं जी पाएंगे, कुछ चलना है, सब कुछ बंद हो जाएगा, व्यवस्थाएँ सारी ठप हो जाएंगी अगर राजनीतिक व्यवस्था खत्म होगी। तो इस तरह से हमें जब डायरेक्ट कॉल इनका नहीं पूछे शायद, हो सकता है ना पूछें, लेकिन सी बी आई के बारे में आप जरूर पूछेंगे या इस तरह की सिचुएशन में क्वेश्चन पूछ लेंगे वारंट ऑर्डर से रिलेटेड। जैसे आपसे पूछ लिया कि आपको कौन सी जॉब करना, आपने कैसे पुलिस में जाना पसंद है, ये है या मैंने फर्स्ट जॉब कर लिया है या सेकेंड जॉब लिया, इनको पूछेंगे आपको इस तरह के क्वेश्चन। और इसमें आप चुप रहना भी मत, क्योंकि इसमें चुप रहेंगे तो फिर कोई बात हो जाएगी कि आप जो चीज़ आप जो बर्निंग क्वेश्चन है राजस्थान का आप उसको अवॉइड कर दोगे, उसको उसका जवाब नहीं दोगे तो उसको भी चीज़ें नेगेटिव रहेंगे। क्या बतानी चाहिए जैसे बहुत सी चीज़ के बारे में उसके सारे आस्पेक्ट सोचे बिना नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट मुझे बाद में समझ आते हैं तब मैं बस करती हूँ नहीं मुझे, तो ये मेरी कमजोरी है। लेकिन जैसे कोई कह देता है मैं बहुत ही इमोशनल हूँ, इमोशनल होना तो बहुत अच्छी बात है, इक्वालिटी है, ये आपकी कमी नहीं है। इंसान के अंदर जब इंसानियत या इमोशंस ही नहीं होंगे तो फिर इंसान का ही होगा जानवर है, तो इमोशनल होना कोई कमी नहीं है। या फिर जैसे लोग कह देते हैं मैं ईमानदार हूँ कि मेरा बड़ा गुण ईमानदार की गुण थोड़ी है, ये तो इनमें ये तो होना चाहिए, तो मस्त है, ये तो मस्त है ना, ये कौन से गुण है कोई, इसके अलावा कुछ ऐसा हो कि जब मैं तो बहुत इनिशिएट कर लेती हूँ, मैं तो कहीं भी जाऊँ किसी चीज़ से घबराती नहीं हूँ, तुरंत मौके पर पहुँच जाती हूँ, मेरी टीम को लीड कर सकती हूँ, ठीक है, या मैं डिसीजन मेकिंग में बहुत ही पावरफुल है, तो ये होती है।